और 1874 में आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। और आपके पास जो है वो हमारे लाखों करोड़ों लोग मरने के बाद मिला, ऐसे नहीं मिला। अभी दादा जो कहा वो फाउंडर आदमी था, अभी उसकी सांस चल रही, लेकिन उसके है कि मैं है आदिवासी हूं, इसलिए का मालिक हूं, मैं बोल के जाऊंगा मरूंगा, तब भी ऐसे बोल रहे थे, तो क्या गलत बोला? लेकिन हमारे बाप दादा मरने के बाद ये एक्ट मिला। लेकिन यहां पे मैं संक्षिप्त में यही कहना चाह रहा हूं, समय है नहीं, आपका कास्ट मरीला ये मान्य है, इसलिए वो शादी का है या जो भी है उसमें उसमें साफ साफ लिखा सभी धर्म के कानून आदिवासी पे लागू नहीं होते, ये एक्ट है, एक्ट में लिखा है, आपका आईपीसी सीआरपीसी में भी लिखा है कि विवाह के संबंधित दंतक पुत्र के संबंधित, अभी जमीन के मामले में बहुत सारे लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में भी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे आदमी ने उसमें व्याख्या करने की जरूरत है कि हम वास्तव में भूमि जल जंगल जमीन और पानी का, पानी विश्व में जमीन और पानी और जंगल इसी पे मरना है, बाकी कोई युद्ध नहीं। अभी हर नदी को अभी बाउंड्री बनाने वाले हैं और आदिवासी को हटाने वाले हैं, और ये रोस्टर बन चुका है, रोड मैप बन चुका है विकास के नाम से, पर्यटन के नाम से, अभी अंडमान निकोबार का भी हो गया, लक्षद्वीप का भी हो गया, जहां पे 95 से ज्यादा प्रतिशत था। अरे इस देश में आदिवासी के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं था, इसके बाद भी आप कितने प्रतिशत आ गया, आपकी जमीन किधर गई? तो जमीन तो होना चाहिए थी ना, जमीन का टुकड़ा कहां गया? जयपाल मुंडा रे संविधान सभा का, आई एम ए हंटर, आई एम ए शिकारी, हम कुछ भी नाम रखो, मैं आदिवासी हूं, इंडिजिनस पीपल ऑफ द इंडिया, उसने एक एक शब्द को डिफाइन किया जयपाल मुंडा ने। लेकिन जयपाल मुंडा के बारे में जानते नहीं, वो हॉकी का पहला कप्तान भी था, ब्लेड का भी था, एशिया में भी था और अफ्रीका में भी था, और ये जो डर्बी और मोहन बागान और सबका संस्थापक था। यहाँ पे ये भी बात है कि हम सब लोग मिलकर हमारे जो देवी स्थल है, यदि वो चले गए आपको डिफाइन कौन करेगा? आपकी कल्चर नहीं होगी तो डिफाइन क्या करेगा? आपका कस्टमर ला, आप यदि वो भी नहीं होगी तो आप क्या डिफाइन करोगे? आप इस देश का मालिक है, और पूरी दुनिया कह रही, यूनाइटेड नेशन कह रहा कि आदिवासी कल्चर से ही पूरी दुनिया में हवा पानी मिलेगा। अभी कोरोना वायरस आया था कि नहीं आया, लेकिन आदिवासी पद्धति से सब लोग जिंदे हो रहे थे।